आपसे ठीक है। चलिए फाइंड ठीक आउट कीजिए। ठीक पिछले क्लास में हमने बढ़िया से बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का। क्या होगा ठीक है क्लास अच्छा पहले स्टैंडर्ड डिवीजन बताया और आपको यहाँ पर ज्वाला कुमारी फोन है। कौन है? थर्टीन पॉइंट फाइव नहीं होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बताया थे पहले प्रॉपर्टीज का उस रिलेटेड कुछ कुछ दिए थे तो आज इसको लेके आप क्या बनाएंगे। हाँ क्लास नहीं आएंगे तो कैसे समझ में आएगा। आए थे एक्स इक्वल टू नाइन पुट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। इतना आसान है तो इतना आसान थोड़ी है। चलो जी कैसे कैसे बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। बताएंगे कोई एनीवन थर्टीन पॉइंट फाइव कैसे बनाए कैसे बताओगे कुछ कैसे किए। यहां से देखो वाई निकालेंगे तो वाई निकालोगे तो फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा सिक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू एंड वी कैन रिटर्न एच थ्री माइनस थ्री बाई टू एक्स ये होगा ना। और ये लिख सकते हैं माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस थ्री। अगर मैं बोले फिर इसका वेरियंस निकालने का तो कैसे निकालेंगे आप वेरियंस ऑफ वाई क्या हो गया माइनस थ्री बाई टू का मोड ऐसे किए क्या लोग ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू और ये कितनी वैल्यू दे रहा है नाइन तो ये क्या हो गया ट्वेंटी सेवन बाई टू दैट इज थर्टीन पॉइंट फाइव यही है ना।
हेलो हो गया गलत, इतना नोट कीजिए और इसको कट कीजिए ऐसे। ये जो बताए जो जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो गलत, ठीक है? मतलब देख पहले सुनो मेरी बात को, कुछ लोग इसी तरीके से बनाए हैं, ठीक है? आधे लोगों का दिमाग ऐसा ही काम करेगा, इसको बनाएंगे, सुनो पहले, उसको बनाने के बाद कट करना। दैट मींस कि ये गलत कंसेप्ट है, ठीक है? ये गलत कंसेप्ट है। क्यों गलत है ये, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। नोट कीजिए, चलिए सर, नोट करके काट दे क्या सर? हाँ, नोट करके कट कीजिए उसको। सर इसको क्रॉस कर देना है कि गलत है? देना है, साइड में क्रॉस करो ना, ऐसे साइड में करो, पूरा नहीं करके साइड में क्रॉस करो, ये गलत तरीका है। साइड में कर दिया, हाँ ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये गलत तरीका है, ठीक है? अब बताते हैं क्या कैसे सही होगा, क्या होगा, कौन सा आंसर होगा। कुछ लोगों ने बनाया, जैसे अभी आपके पास संख्या कम, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि ज्यादातर इस तरह से गलती करके आएंगे, और कुछ लोग तो बनाए ही नहीं, ठीक है? तो कुछ लोग बनाए भी तो वो उस टाइप के, चलो बहुत अच्छी बात है, बट उनकी भी गलती है। चलिए उनको, उनका गलत है, सही क्या होगा, क्या तरीका होगा, इसको तरीका हम बताते हैं। नोट हो गया, कंप्लीटेड। अब देखिए एक्चुअली क्या है, इसके पहले वाले क्लास में, प्रीवियस क्लास में हमने बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, और उससे रिलेटेड आपको थ्री प्रॉपर्टीज बताया गया था। थ्री प्रॉपर्टीज बताया गया था स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, दो प्रॉपर्टीज ये था, इफ ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी जीरो। अच्छा, उसके पहले एक था कि स्टैंडर्ड डेविएशन डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू द चेंज इन ओरिजिन एंड ड्यू टू द चेंज इन स्केल पर डिपेंड करता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड करता है चेंज इन स्केल पर, ना कि वेरियंस डिपेंड करता है। वेरियंस का हमने अभी प्रॉपर्टीज नहीं बताया आपको, ठीक है? वो जो फॉर्मेट ये लगेगा ना, वो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन का लगेगा, ना कि वेरियंस के लिए लगेगा। तो ये गलत तरीका हो गया। अब इसको सही कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है? सॉल्यूशन आपके पास क्या दे रखा है, सिग्मा एक्स दे रखा है, ये कितना दे रखा है, सॉरी सिग्मा स्क्वायर एक्स वेरियंस होता है, ये कितना दे रखा है, 9 दे रखा है एक्स। अगर आप इससे ये निकाल तो ये एक्चुअली क्या है, सॉरी इसको हम लोग वेरियंस बोलते हैं, ठीक है? 6 लग रहा है, वैसा ही लिखा ही हुआ है, ऐसे होगा, ठीक है? That is, ये क्या दे रखा है, 9। बट अगर हमने इसका रूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सी हो जाएगा। ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सी होगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पर प्रॉपर्टी लगता है, तो हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, किसका, वाई का। ये क्या हो जाएगा, -2/3 था, कितना था इधर पीछे देखो, 3/2 -3/2 का मोड इनटू सिग्मा एक्स, ऐसे होगा, बोलिए यार, ऐसे करो ना। जब बार बार तुमको बता दिया गया कि सिग्मा एक्स है तो 6 हो रहा है, तुम 6 रहेगा, ये 6x है कि नहीं, कैसे लिखो, चलो आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या होगा, 3। अब बताइए कितना हो गया, 9/2। बट हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, वेरियंस चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये फिर स्क्वायर करोगे तो ऐसे निकालेंगे,
मूर आएगा ना सही तो हालत है। आठ मिनट लगा देख लिया सबको मैं कहा से बात है ठीक है तो चला उसे करो तुम लोग कंप्लीटेड। तो जब भी आपके पास वेरियंस की बात करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन पर प्रॉपर्टी लगेगी उसके मदद से आप निकालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा। डायरेक्ट आप नहीं कर सकते बस स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं आप स्केल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या समझाने वाली बात है पिछले क्लास से ही तो बता रहा हूँ यार दो क्लासेस से बता रहे एकदम गधे हो ये आपका प्रॉब्लम है नहीं यार कर कैसे आ जाएगा वो पहले आपने उसमें डायरेक्टली लगा दिए तो कैसे स्क्वायर कर सकते आप डायरेक्ट वेरिएंस टू वेरिएंस प्रॉपर्टी लगा रहे तो कैसे आएगा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हमने वाई का और उसको स्क्वायर कर दिया चले ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ थर्ड तीन प्रॉपर्टी बताए थे ना आपको चार नंबर में आई कंबाइंड प्रॉपर्टीज बता रहे हैं सर एक बार पीछे कीजिएगा सर रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे थे अभी तक कंबाइंड SD. चलो पीछे आ तो तुम आगे चलो आगे देखो ना कंबाइंड एस डी ये क्या होता है अगर जैसे दो डाटा है आपके पास फर्स्ट और सेकेंड इसको ऐसे डिनोट करते हैं फॉर्मूला क्या होता है नोट करेंगे एन वन स्क्वायर एन टू सिग्मा टू स्क्वायर प्लस एन वन
एस डी ऑफ सीरीज फर्स्ट, सीरीज फर्स्ट किसको डिपॉन्ट कर रहा है, एस डी ऑफ सीरीज सेकेंड, एंड डी वन डी टू क्या है बता रहा हूँ, डेविएशन फॉर्मेट है। यहां तक नोट कीजिए, सिग्मा वन हुआ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सीरीज, सीरीज दो दिया रहेगा ना, दो सीरीज का पहले सीरीज का दिया रहेगा ये, और दूसरे सीरीज का अगर हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये फॉर्मूला लगा करके कंबाइंड निकाल सकते हैं दोनों का कंबाइंड क्या होगा, है कहीं लिखने के लिए, यहाँ नोट तो कीजिए आप। कौन सा ये नंबर ऑफ आइटम्स सीरीज फर्स्ट, हाँ रोमन फॉर्मेट में लिखा हुआ है, नोट हो गया, हो गया सर। बाहर जाना किसी को पीछे, कंप्लीटेड। डी वन डी टू के बारे में देखते हैं कि डी वन क्या है, डी वन जो है डी टू क्या है, ये क्या है ये बताओ, ये क्या है, इसको डिनोट कर रहा है एक्स वन टू एक्स बार, इसको डिनोट कर रहा है वन टू है, वन टू बारह नहीं है, मीन किसको, मीन क्या किसका दिखा रहा है, कंबाइंड मीन पहले भी हमने बताया है उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो कंबाइंड मीन आपको पहले भी बता रखे हैं, एक्स वन मीन के बढ़ाने के समय हमने बताया था एन टू एक्स टू डिवाइडेड बाई, ये एक्स वन स्मॉल से भी लिख सकते हो, स्मॉल से ही लिख लीजिए, कन्फ्यूजन करेंगे आप ज्यादा। एन टू मीन ऑफ द फर्स्ट डाटा एंड ये मीन ऑफ सेकेंड डाटा, ये कुछ निकालने के बाद कंबाइंड आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, तो कंबाइंड मीन बोलेंगे, कंबाइंड मीन होगा, ये सारा कुछ मीन में हमने आपको पढ़ाया है, मीन के पढ़ाने के समय दो डाटा दिया रहे, ठीक है, डी वन डी टू से आपको फाइंड आउट। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाओ, नोट हो गया पीछे, नहीं मानिएगा आप लोग, कौन है अंचल केरी, नहीं होगा, चलो यहाँ देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर एन वन आपके पास कुछ दिया हुआ है तो वो आवाज कट के आ रहा था, आवाज नहीं कट कट के आ रहा है,
आवाज नहीं आ रहा सर आपका। सर आवाज नहीं आ रहा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो फर्स्ट डाटा के लिए एन वन कितना है, सब कुछ पता चलता है फिर भी नहीं बनता। एन टू कितना है, 40। ये बताओ ये कितना है, 3 है ना। अब ये पार्ट तो निकल जाएगा आपको, ये कैसे निकालोगा, एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन वन है यहाँ पर, एन वन है, सॉरी एन वन है, तो ये 60। एक्स वन, एक्स वन बार आप दिया हुआ है कि नहीं है, कहाँ है ये तो दिया हुआ है। एक्स वन ये कितना दे रखा है, एक्स टू, ठीक है, ये वन है, ये टू है, पूरा पूरा नहीं दे, ये एन वन है, ये एन टू है, है? अब ये रखो x1 का क्या हो जाएगा, 45 प्लस n2 40 x2 55 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी कि 60 प्लस 40 सॉल्व करो कितना होगा, गलत है, बोल रहा है, तुम रिपीट कर रहे हो, कॉपी देख लीजिए आगे देखिए।
कितना है? सॉल्व करके बताओ इधर तुम लोगों को। कंबाइंड आ चुका है। अब अगर D1 की मैं बात करूं तो D1 कैसे निकाला? ये निकाल लोगे आप D1, तो D1 क्या होगा? 49 माइनस ये वैल्यू दे रखी है आपको 45, ये कितना हो गया? 4। ये बताओ 49 माइनस ये कितना दे रखा है? 55 माइनस 6। अब ये सारे वैल्यू आ चुके हैं और फॉर्मूले में आप पुट कीजिए इस फॉर्मूले में और आंसर आंसर बताओ पुट करके। कितने आंसर आ रहे हैं? सॉल्व हो रहा है? चलिए ठीक करें। इसके बाद एक आगे जो आगे वाला प्रॉब्लम फॉर्मूला नहीं नोट किया हो
हेलो, कहाँ गए सर आप? अरे राजू बोलो। हाँ सर। हेलो सर। सर किसी और को होस्ट बना कर चले। इसको होस्ट बना दिया रे, फसल में आपको होस्ट बना दिया है। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। अरे कोई ले लो ना अटेंडेंस। फसलवाग बोलो ना। नहीं तो सर को अटेंडेंस लो ना, करोगे बैठ के नेता लो अटेंडेंस। शुभम अटेंडेंस ले लो स्क्रीनशॉट। कौशल रे कौशल रे नेता। हेलो सर चले गए का? हाँ अटेंडेंस ले लो ना। सुनो ना कौशल, तुम ले लो अटेंडेंस। ले लेते हैं। हेलो ले ले कितना मानते हैं? ठीक है रुको, कैसे ले ले हम स्क्रीनशॉट मार ले क्या? मोबाइल से नहीं कनेक्ट है, हम लैपटॉप से हैं। क्या हो गया? मोबाइल से फोटो खींच। भाई एंड कर दो ना। आप सर ज्वाइन कर लिए है? सर ज्वाइन करके ऑडियो कनेक्ट कर देंगे। कौशल कौन ले अटेंडेंस? हेलो तुम ही ले लो ना निधि। सुनो ना, मतलब लेकर सर के पास भेजना पड़ेगा? हाँ नहीं मेरे पास रखे थे ना सर को। अरे तुम ज्यादा बोलते हो। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों कम बोलना चाहिए? अरे कोई ले लो ना स्क्रीनशॉट यार, सर को भेज दो। हम ले लेंगे, जिसको लेना है ले लो। कौशल कौशल नहीं सुन, लेना ना यार मैं है का इंसान, तुम ही ले लो। सुनो ना हम ले ले रहे हैं। ठीक ठीक है ले लो। ठीक है ले लो।
छोड़ दो, हम ले लिए। कौन लिया? हम भी ले लिए। सब ले लो यार, ले लिए। हम भी ले लिए। लीव कर जाओ सब, हम नहीं करेंगे। दोनों करके अपना भैंस कराया। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो। हम ले लिए, हम सर के पास भेज दे रहे हैं। भेज दो, नहीं तो हम ले लें क्या? भेज देना तो ले लो ना, भेज दो। रुको, अभी तो बोली तुम, हम ले लिए। ले लिए ना तो ले लो, ले लिए तो भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। ले लियो? हाँ ले लिए हैं। ठीक है, भेज दो तो सर के पास। कितना ऑनलाइन में? नहीं क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन में कितना स्टूडेंट है देखो तो? 19 था, अब 17 है। 17 आता, अभी कितना का लिए हो? हम 19 का लिए हैं। ठीक है तो भेज दो सर को। हम ले लिए हैं, भेज दिए सर। भेज दो, भेज दो। अरे जो जो ले आए हैं मतलब वो भेज दे। ठीक, हम रख। बोलो तो रोल नंबर नोट कीजिए तो एक पेज पर। हेलो सर, 56 29 40 सर, रोल नंबर 11 52 54 13 और ये कौन है? 74 सर, 13 यस 74 सर। सर रोल नंबर 11 हो गया, 11 66 सर, 13 और बता सर, 68 56 के बाद कहाँ गया सर? 51 सर, सर 83 सर, सर का नेटवर्क वीक है लग रहा है इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है सर। सर को भेज दो ना तो अटेंडेंस। ठीक है, मैं भेज दे रही हूँ। हाँ भेज, थैंक यू सो मच। भेज देने दे,
अटेंडेंस हो गया। निधि भेज दी हो क्या? हम सर को भेज दें, तुम लोग लीव कर जाओ। भेज दिया है, ठीक है, चलो लीव करो। फिर सर आएंगे पढ़ाने के लिए कुछ देर बाद। खुदा सर जाएंगे आज क्लास? हाँ क्लास में हो क्या तुम? नहीं क्लास में नहीं हूँ। लीव कर जा, क्या करें चेक? हाँ हेलो, हाँ क्या चेक करना? लीव करो ना पागल।